कैसे हैं आप लोग? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अमृत चौधरी। और आज मैं आपके लिए सुपर एक्सप्रेस टेक्नोलॉजी नंबर 17 लेके आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज। तो पहली न्यूज़ आ रही है कि ओप्पो R11 एंड R11 प्लस चाइना में लॉन्च हो गया है, जिसमें आपको 20 मेगापिक्सल के डुअल रियर कैमरा एंड 20 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा मिलते हैं। आपको 5.R11 की मैं स्पेक्स बता दूँ तो 5.5 इंच की फुल HD IPS सुपर एमोलेड स्क्रीन मिलती है। उसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर फ्रंट में मिलता है और आपको स्नैपड्रैगन 660 मिलता है, जो कि लेटेस्ट है, जो कि 2.2 GHz पे क्लॉक्ड है। एडिनो का 512 GPU भी इसमें मिलता है। और इसमें आपको 4 GB की रैम, 64 GB की रोम, जैसा कि फोटो आप देख सकते हो, उसमें ब्लैक कलर का आता है। और एंड्रॉयड 7.1.1 जो कि कलर OS 3.1 जो कि ओप्पो का अपना कस्टमाइज UI उसके साथ आता है। और ओप्पो R11 प्लस की स्पेक्स बताऊँ तो उसमें आपको, यानी कि ओप्पो R11 में भी आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है और 20 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, 20 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा एंड 16 मेगापिक्सल रियर कैमरा भी मिलता है ओप्पो R11। आपको VOOC 2.0 चार्ज फास्ट चार्ज मिलती है, जो कि काफ़ी अच्छी है। और ओप्पो R11 प्लस की स्पेक्स बताऊँ तो उसमें आपको 6 इंच की फुल HD IPS LCD पैनल मिलता है, जो कि स्नैपड्रैगन 660 मिलता है, जो कि ओप्पो R11 का इतना है। और इसमें आपको डुअल कैमरा मिलते हैं, 6 GB ऑफ रैम मिलती है, इसमें 6 GB रैम मिलती है, 64 GB इंटरनल स्टोरेज, उसमें 4 GB मिलती है। इसमें आपको 20 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा एंड 16 मेगापिक्सल का दो कैमरा मिलता है, दोनों डुअल कैमरा आपको मिलते हैं। इसमें भी आपको सेम मिलती है स्पेक्सिव, यानी कि 6 इंच की डिस्प्ले है और 6 GB की रैम चेंज मिलती है इसमें। अभी प्राइसिंग रखी गई है, अभी प्राइस पता ही नहीं है अच्छी तरीके से, तो अभी प्राइस की कोई अच्छी जानकारी नहीं है। और मैं आपको अगली न्यूज़ बताऊं तो 1+5 कन्फर्म हो गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि आपको उसमें डुअल रियर कैमरा होंगे, क्योंकि आईफोन 7 प्लस का कॉपी किया वन प्लस ने। आप फोटो देख सकते हो स्क्रीन पे, आपको आईफोन 7 प्लस का कॉपी मिलता है इसमें। तो वन प्लस इसके लिए अच्छी बात नहीं यार, क्या कुछ डिजाइन लाते ना, कुछ नया अपना अपना नया लाते तो फ़ोन बेच जाता, थोड़ा प्राइस कम कर दो यार। अमिताभ बच्चन सबको बुला रहे हो भाई, हम लोग भी कुछ हैं। किडनी बेच वालों, आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज आ गई है। आईफोन 6 मिल रहा है आपको फादर्स डे सेल पे, 22,000 रुपया मिल रहा है, 21,000 में। तो भाई किडनी बेचने वालों, किडनी नहीं आएगा आपसे, पैसा आएंगे पैसा, किडनी ना बेचना पड़ेगा ना मुन्ना ना, तो किडनी नहीं बेचनी पड़ेगी आपको आईफोन 6 के लिए। आपको 22,000 रुपया मिल रहा है, मैं लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, अगर लेना हो तो ले सकते हो, तो कृपया हम लोग में भी आ जाएगा। और मैं आपको अगली न्यूज़ बताऊँ तो HTC U11 6 GB का वर्जन इंडिया में जल्दी लॉन्च हो सकता है, जिसमें आपको स्नैपड्रैगन 835 मिलता है, जो कि काफ़ी स्क्विज डिस्प्ले, यानी कि स्क्विज डिस्प्ले का आता है HTC U11, काफ़ी अच्छा फ़ोन है। अगर वो प्राइस अच्छी रखें तो वो सैमसंग गैलेक्सी A8 को काफ़ी अच्छा टक्कर दे सकता है और सोनी एक्सपीरिया XZ प्रीमियम को भी। मैं आपको अगली न्यूज़ बताऊँ तो Moto Z 2 Pro का लॉन्च हो गया था, तो आपने मेरा वीडियो नहीं दिखा तो मैं आप यहाँ पे कार्ड दे रहा हूँ, यहाँ पे कार्ड होगा उसमें आप देख लेना वीडियो Moto Z 2 Pro का, क्योंकि काफ़ी अच्छा फ़ोन है। 28,000 रुपये लॉन्च हुआ है, तो प्राइस ज़्यादा लग रही है वन प्लस रिटी के हिसाब से, पर तभी प्रीमियम फील है तो सही है। और मैं आपको अगली न्यूज़ बताऊँ तो यूरेका ब्लैक, जो कि यूरेका लॉन्च किया था कॉपी फ़ोन, उसको आपको एंड्रॉइड नगोट का अपडेट मिलना स्टार्ट हो गया, तो जिसके बाद यूरेका ब्लैक खरीदा उन्होंने, अपना अपडेट चेक कर लिया, आपको एंड्रॉइड नगोट का अपडेट मिल जाएगा जल्दी ही। और मैं आपको अगली न्यूज़ बताऊँ तो Moto G5S Plus एंड Moto X4 एंड Moto Z 4, यानी कि Moto G5S Plus, Moto X4 एंड Moto Z 2 प्लस की, यानी कि प्राइस लीक हुई है, यानी कि Moto G5S Plus में स्पेक्स की ये लीक आई है, इसमें आप 5.5 इंच की फुल HD मिलेगी स्क्रीन और स्नैपड्रैगन 626 मिलेगा, जो कि Moto Z 2 प्ले में मिलता था। उसकी प्राइस यानी कि इंडिया में होती है 18,000 रुपये और Moto X4 की प्राइस होती है, मोटो एक्स फोर की प्राइस भी 30,000 तक की होती है। इसमें स्नैपड्रैगन 660 आ रहा है, जो कि ओप्पो R11 में आ चुका है। और Moto Z 2 4, जो कि स्नैपड्रैगन 835 से लॉन्च होने वाला है, वो शायद 40,000 के ऊपर प्राइस आने वाला है उसका। तो यही थी लीक मोटोरोला की कवर, यानी कि Moto G5S Plus, Moto X4 एंड Moto Z 2 4 की ये लीक आई थी। और मैं आपको अगली न्यूज़ बताऊँ
तो सैमसंग गैलेक्सी नोट 8 साथ स्नैपड्रैगन 836 का आ सकता है, जो कि काफ़ी अच्छा प्रोसेसर होगा, और वो नोट 8 अगस्त में या सीधे सितंबर के महीने में लॉन्च हो सकता है। तो देखते हैं सैमसंग क्या जमा मिल सकता है नोट 8 के साथ। मैं आपको अगले नहीं बताऊँ तो ओप्पो ओ का यानी कि सॉरी एंड्रॉयड ओ डेवलपर कन्फर्म्स कर दिया है कि एंड्रॉयड ओ 8.1 में आने वाला है, यानी कि आपका वर्जन नंबर 8.0 होगा। जैसे नोवट का 7.0 होता था, अब उसका एंड्रॉयड ओ का होगा 8.0। तो काफ़ी अच्छी बात है, आप देखते हैं वो क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों यही टेक न्यूज़ की बात, जो जो टेक न्यूज़ आया मैंने आपको बता दिया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव अ थम्स अप, इफ यू डिडंट बोर इट ऑन, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय बाय एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, बाय बाय, प्लीज शेयर इट टू माय योर फ्रेंड्स एंड बाय बाय।